तो कितना बढ़िया बना है ये हमारा परवल का भरता। आपको देखने से लग रहा होगा ये कितना टेस्टी है। परवल का भरता की रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने चार परवल लिए हैं बड़े साइज का। ये वेट में लगभग 200 ग्राम के आसपास है। तो अब हम गैस के चूल्हे को ऑन करेंगे और चूल्हा ऑन करने के बाद हम इस प्रकार की जाली डालेंगे। ये इस प्रकार की जाली आपको मार्केट में 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। ये जाली से क्या होता है ना, ये अच्छे से इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ये इस तार में मिल जाता है और वो अच्छे से पक जाता है और इसका रस भी नीचे गिरने नहीं देता है। तो इसी जाली पर हम परवल को डाल देंगे। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने चारों परवल को हमने डाला है। आप चाहे तो चीरा इसमें शुरू में ही लगा सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे गैस को। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, अंदर से हमारा ये नहीं पकेगा। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये हमारा धीरे धीरे पक रहा है। तो थोड़ी सी पकने के बाद हम इस पर चाकू मार लेंगे ताकि ये अंदर भी अच्छे से पक जाए। आप चाहे तो शुरू में भी चाकू मार सकते हैं, क्योंकि ये डालने के बाद थोड़ी सी ये फट के इसके छींटे भी पड़ सकते हैं आपके शरीर पे। तो आप पहले ही मार लें इसमें कट। तो इस प्रकार से हमने देखिए ये सारे पटल हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो हम इसे निकाल लेंगे। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसके सारे छिलके को हम निकालेंगे। तो बहुत लोग करते क्या है ना कि इसको धो के इसके बाद छिलके निकालते हैं, तो फिर इसका टेस्ट पूरा निकल जाता है, वो जो हमने आगे में पकाया था। तो ये देखिए इसके सारे छिलकों को हमने, तो इसे धोना नहीं है फ्रेंड्स, इसे केवल हल्के हल्के ये जो जला हुआ भाग है, सारे छिलके को नहीं निकालेंगे, जो जला हुआ भाग है उसी है उसे ही हम निकालेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया से अच्छे से छिलका भी निकल रहा है। तो ये देखिए फाइनली हमारा छिलका निकल गया है। तब हम इसके डंठल को निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से। दोनों साइड के जो डंठल और कड़े वाले भाग होते हैं, तो इसी प्रकार से आप उंगलियों के सहारे प्रेस करके इसे ईजी वे में निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने दूसरे पटल को भी हमने इसी प्रकार से इसे छीला है। तो और ये देसी स्टाइल में हम बना रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से बनेगा और बहुत ही मज़ा आता है इस तरीके से बना के खाने में। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये निकल भी गया है अच्छे से इसके छिलके। तो सारे पटल को हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। अब हम एक बॉल लेंगे, तो आप किसी भी प्रकार का बॉल लें, तो इसमें सारे पटल को हम डाल देंगे। परवल को हम लोग पटल भी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसी प्रकार से आप हाथों के सहारे मैश करेंगे। आप चाहे तो किसी मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन हम देसी स्टाइल में बना रहे हैं तो हाथों के सहारे इसे मैनुअली इसे मैश कर रहे हैं। आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन फिर वो देसी स्टाइल वाली जो स्वाद होती है ना, तो वो नहीं आएगी। तो ये हमने दो बड़े साइज का प्याज काटा था। आप इसमें प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ही डालें और 4 से 5 हमने हरी मिर्च को बारीक काटा था। और ये काला नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। तो हमने नमक इसमें डाल दिया स्वाद के अनुसार से। और उसके बाद फिर हम इसमें सरसों तेल डालेंगे फ्रेंड्स। सरसों तेल भी थोड़ी सी ज़्यादा, 1 चम्मच के आसपास हमने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद ये भुना जीरा पाउडर डाला है हमने। इसे तवे पर हमने जीरे को भून के उसके बाद पीस के इसमें डाला है। तो इसमें प्याज और परवल का जो मात्रा है वो लगभग बराबर रखें, तो बहुत ही मज़ा आएगा इसका स्वाद। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये हमारा परवल का भरता बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसे सर्व के लिए निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है, आपको देखने से लग रहा होगा ना, बहुत ही स्वादिष्ट ये बनके तैयार हुई है और बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आप भी इस रेसिपी को फ्रेंड्स अपने घर पर बनाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।